الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم और उसकी निशानियों में से ये है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन से बीवियां बनाई ताकि तुम उसके पास सुकून हासिल करो और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा करती है। यकीनन उसमें बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। निकाह मर्द व औरत के ताल्लुक की कानूनी अखलाकी और दीनी शक्ल है। अल्लाह ताला ने हर चीज का जोड़ा बनाया है, इंसानों को भी मर्द व औरत की शक्ल में जोड़ा बनाया है। बगैर निकाह के अगर मर्द व औरत एक साथ रहे तो लोग उनको आवारा और बदकार समझते हैं, मजहब उनको गुनहगार कहता है और समाज में उनको गिरी निगाह से देखा जाता है। लेकिन जब दोनों निकाह के जरिए एक साथ रहने का ऐलान करते हैं तो उनको नेकियोकार समझा जाता है, उनको मुबारकबादी दी जाती है और उनके लिए दुआएं की जाती है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है बगैर निकाह के मर्द व औरत का बहमे जिंस तस्किन पाना बेहयाई और मुजरिमाना अमल है और अल्लाह के कानून से बगावत है। जबकि निकाह के बाद जिंस आसूदगी हासिल करना जिम्मेदारी नेकी और इबादत है, क्योंकि ये दोनों अल्लाह के कानून के मुताबिक रिश्ते इस दीवार में मुंसलिक हुए। मालूम ये हुआ कि जिस चीज में अल्लाह का नाम और उसके रसूल की सुन्नत शामिल हो उसमें रहमत व बरकत, और जिस चीज से अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म खारिज कर दिया गया हो उसमें जहमत और लानत है। निकाह ऐसी इबादत है जिसे तमाम रसूलों ने अंजाम दिए। चुनांचे अल्लाह ताला का इरशाद है, वलकद अरसलना रसूलन मिन कबलिक वजअलना लहुम अज़वाजन वज़ुर्रिय्या। तुम में से पहले भी हम बहुत से रसूल भेज चुके और उनको हमने बीवी बच्चे वाला बनाया था। हज़रत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चार चीजें रसूलों की सुन्नत है, हया, खुशबू, मिसवाक और निकाह। आखिर रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को अपनी सुन्नत करार दिया। अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिम नौजवानों को पाक दामनी और पाक बादी की तालीम देते हुए निकाह करने और पाकीज़ा जिंदगी गुजारने की तलकीन फरमाई। ए नौजवानों की जमात, तुम में से जो शख्स इस्तेतावत रखता है वो शादी कर ले। इसलिए ये निगाह की पाकिजगी और शर्मगाह की हिफाजत का जरिया है। और जिस शख्स के पास शादी की करने की इस्तेआत ना हो उसे चाहिए कि वो रोजे रखे, ये उसके शहवत का तोड़ है। इज्जत व नामुस और पाक दामनी की हिफाजत का बेहतरीन जरिया निकाह है।
वालदेन की जिम्मेदारी है कि जब औलाद बालिग हो जाए तो मुनासिब रिश्ता तलाश करके उसका निकाह कर दे। निकाह के लिए जोड़े का इंतखाब मुख्तलिफ चीजों को देखकर किया जाता है। लड़की का इंतखाब उसके हुस्न व जमाल, माल व दौलत, खानदान वगैरह को देखकर किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को तालीम दी है कि वो लड़की के इंतखाब में दीनदारी को तरजीह दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरतों से चार असबाब से निकाह किया जाता है, उसके माल व दौलत की वजह से, उसके हसब व नसब और खानदान की वजह से, उसकी खूबसूरती की वजह से और उसकी दीनदारी की वजह से। तो तुम दीनदार औरत से निकाह करो। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म हर इलाका और हर जमाने के लिए रहनुमा है। उसकी हिकमत उस वक्त ज्यादा समझ में आती है जब कोई नौजवान किसी लड़की के हुस्न पर फरीका होकर उसकी मालदारी, नौकरी या उसके बाप का ओहदा व इख्तियार देकर शादी करता है। फिर वो लड़की के लिए और उसके घर वालों के लिए जहमत व आजमाइश का जरिया बन जाती है। घर में सुकून नाराज हो जाते हैं, नौबत तफरीक और मुकदमा बाजी तक पहुंच जाती है। उसके मुकाबले में जब कोई दीनदार और सीरत व किरदार की लड़की से रिश्ता करता है तो उसकी इस दिवागे जिंदगी में खुशगवार हो जाती है और खानदान की इज्जत और नेकनामी में इजाफा होता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी वालों को भी ये हुक्म दिया कि अपने दुख्तर का रिश्ता ऐसे नौजवान से करे जिनमें दीनदारी हो, सीरत व किरदार अखलाकी मुहासिन हो। महज माल व दौलत, आमदनी और ओहदा व इख्तियार को देख कर रिश्ता ना करे वरना बेटी की जिंदगी दुश्वार हो जाती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम्हारे पास कोई ऐसा शख्स निकाह का पैगाम लेकर आए जिसकी दीनदारी और अखलाकी हालात से तुम मुतमईन हो तो तुम उसकी शादी कर दो, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो जमीन में फितना और रोनमा और फसाद बर्पा होंगे। एक शख्स हजरत इमाम के पास आया और अर्ज किया कि मेरी बेटी से रिश्ता का पैगाम मुत्तईद लोगों ने भेजा है, मैं किससे अपने बेटी का निकाह करूं? हजरत हसन ने इरशाद फरमाया तुम अपनी बेटी का निकाह ऐसे शख्स से करो जो अल्लाह से डरता हो, जो अल्लाह से डरता हो, क्योंकि अगर वो उससे मोहब्बत करेगा तो उसकी इज्जत वो तो कैर करेगा और अगर कभी वो उससे नाराज होगा तो उस पर ज्यादती नहीं करेगा। सहाबी रसूल हजरत अबू दर्दा जिस जमाने में शाम में थे उस वक्त मुल शाम के गवर्नर अमीर मुआविया थे। अमीर मुआविया ने अपने बेटे यजीद का रिश्ते का पैगाम हजरत अबू दर्दा की बेटी के लिए भेजा मगर हजरत अबू दर्दा ने इस रिश्ते को नामंजूर कर दिया। हजरत अबू दर्दा ने अपने बेटी का रिश्ता गवर्नर के बेटे से करने के बजाय आम दीनदार मुसलमान से करना पसंद करते थे। चुनांचे उन्होंने फरमाया तुम्हारा क्या ख्याल है जब हर वक्त दर्दा की खिदमत में गुलामों और लोंडियों की जमात उसका हर हुक्म बजा लाने के लिए मौजूद होती थी और वो खुद को ऐसे शानदार महलों में पाती थी जिसकी जगमगाहट निगाहों का खैरा करती दी थी, उस वक्त उसका दिन कहां होता? मुसलमानों ने कपू के नाम पर जाद व बिरादरी के नाम बिरादरी को निकाह के लिए कैदखाना बना लिया, बिरादरी से बाहर निकाह करने को मुयूब और इज्जत के खिलाफ समझा जाता है। कुफू का मतलब मुनासिबत है, ताकि इस दिवाजे जिंदगी में ना हमवारी ना हो, जिंदगी सुकून से गुजरे। एक बिरादरी में भी
माली हालत की कमी और ज्यादती की वजह से ना हमवारी हो सकती है, बल्कि एक खानदान में भी हो सकती है। उसका दिन वो शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं। शरीयत की नज़र में हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का कफू है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसब व नसब यानी जात व बिरादरी के मुकाबले में दीनदारी को निकाह के लिए पसंदीदा मायार करार दिया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हद के चाचा आजाद बहन हजरत ज़ैनब की शादी अपने आजाद करदा गुलाम हजरत ज़ैद से करी थी। उस पर कुफार ने बड़ा शोर मचाया। कुरैश के आला खानदान की लड़की का निकाह आजाद करदा गुलाम से कैसे कर दिया गया, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमली मतावत ने दुनिया को यह सबक दिया कि असल मायार दीनदारी है, जात व बिरादरी नहीं। इस्लाम ने निकाह को इंतहाई सादा और आसान अमल बनाया था ताकि लोग गुनाह की तरफ माइल ना हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बरकत के लिए हाथ से सबसे अजीम निकाह वो है जिसका खर्च सबसे कम हो। मगर आज के मुसलमानों ने शादी ब्याह के नाम पर इतनी रस्में ईजाद कर ली है कि निकाह करना एक मुश्किल काम हो गया। उसकी वजह से बद अखलाकी और बदकारी रोनमा होने लगी है। जायज की रस्में इतनी आम हो गई कि जब तक लड़की वाले कीमती सामान जायज ना जोड़ ले लड़कियों की शादी तय नहीं होती। बाद लोग ये समझते हैं कि रसूल पाक ने हजरत फातिमा को जहर दिया था, ये बात गलत है। रसूल पाक ने अपने किसी साहबजादी को जहर नहीं दिया। हजरत ज़ैनब, हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलसुम और हजरत फातिमा किसी को जहर नहीं दिया। हजरत फातिमा का जब हजरत अली से निकाह हुआ तो हुजूर ने फरमाया, हजरत अली ने पूछा, तुम्हारे पास महर देने के लिए क्या है? उन्होंने कहा, मेरी जरा है। हुजूर ने उनकी जरा हजरत उस्मान गनी के हाथ पीट दी और उसकी रकम से महर का और घर लेने सामान का इंतजाम कर दिया, क्योंकि हजरत अली के सरपरस्त हुजूर ही थे। अगर हुजूर ने अपनी रकम से ये सामान दिया होता तो जरूर जहेज सुन्नत बन जाती। आज जहेज की रस्म की वजह से हजारों लड़कियां बगैर शादी की बैठी हुई है। ये मुस्लिम मुआशरे के लिए शर्मंदगी की बात है। जहेज के साथ ही बालात की रस्म मुसलमानों के यहाँ शादी का जुज्व बन गई है। अक्सर बारात की जो तादाद तय की जाती है उससे ज्यादा बाराती पहुँचते हैं। शरीयत, शराफत और जमीर तीनों की अदालत ये फैसला करती है कि ये खाना दुरुस्त नहीं है। बाद इलाकों में निकाह से पहले मंगनी की रस्म और निकाह के बाद चौथी की रस्म होती है, उनमें भी बारात ही तरह बड़ी तादाद में लड़की वालों के घर मेहमान बन कर जाते हैं और उनसे फरमाइश का खाना खाते हैं। ये सारी रस्में दुरुस्त नहीं है। इस्लाम ने लड़की वालों पर कोई खर्चा आयद नहीं किया, जबकि लड़के को हुक्म दिया है वो अपनी इस्तेआत के मुताबिक निकाह के बाद वलीमा करे। हिंदुस्तानी समाज में गैर मुस्लिमों को जेर असर हम मुसलमानों ने सुन्नत को बिदअत में तब्दील कर दिया। बाद इलाकों में जहेज के अलावा लड़की वालों से नकद रकम का मुतालबा होता है। लड़की के माली तालीमी और समाजी हैसियत के मुताबिक रकम अदा की जाती है। ऐसा करना शरई गुनाह और जुल्म और ज्यादती है। बाद हजरत नकद रकम का मुतालबा नहीं करते, मगर उम्मीद के मुताबिक लड़की वाले से रकम ले लेते हैं और कहते हैं कि हमने मांगा नहीं है, खुशी से दिया गया है। याद रखे, ये वही तावील है जो यहूदियों ने मछली के शिकार के लिए की थी।
शरीयत की नजर में जो चीज मारूफ हो जाए यानी रिवाज पा जाए उस पर अमल करना ऐसा ही है जैसे शर्त लगा दी गई हो नकद रकम लड़की वालों से लेना, ख्वाह मांगने या बिना मांगने, दोनों नाजायज है। अल्लाह ताला हमें और आपको, हम सबको अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। वमा अलैना इल्ला